तो फाइनली गाइज हमारे साथ हुआ यूँ कि हम लोग वीडियो बना रहे थे, वीडियो में मीन्स इंस्टाग्राम रील्स बना रहे थे, और वो है 11 पुलिया नाम है उसका, और पीछे का बैकग्राउंड इतना व्यू अच्छा था ना, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा उधर जाके वीडियो करने वाले हैं। हम जब वीडियो बना रहे थे उधर, वीडियो सारे शूट हो चुके थे, सारे हमने शूट कर लिए थे। फिर हम सोचे वीडियो को इधर उधर मोबाइल में जिसका शूट है वो ले लेते हैं, जिसका शूट है वो ले। जब मैं ले रहा था और मैं ज़्यादातर सारे शूट मैं ही ले रहा था, मेरे फ़ोन में ले रहा था। तो फिर क्या हुआ, हम शूट ले रहे थे, शूट लेते लेते हम मीन्स ऐसे बैठे थे। हाँ, यहाँ से एक रोड आती है, यहाँ से ब्रिज के नीचे से होके पुलिस आती है, मीन्स पुलिस इधर से आती है, इधर से आती है पुलिस। हम लोग दिख जाते हैं पुलिस को, हम लोग दिखते हैं, हम चार जन होते हैं, चार जन में से दो उधर के शायद बाजू वाली से। तो फिर हमारे साथ हुआ यूँ कि हम चार जन थे, मेरे पास बाइक थी, वो पीछे वाले के वो भाग गए वहाँ से, तीनों भाग गए। पुलिस को डाउट हुआ कि ये लोग क्यों भागे यहाँ से, कुछ तक कुछ रीज़न है इधर, मीन्स उनके पास कुछ था ऐसा, इसलिए वो यहाँ से भागे। फिर पुलिस ने, पुलिस वाले जीप उधर आके खड़ी हुई, मैं सीधा उनके उतरने से पहले ही मैं पुलिस के जीप के पास जाके पहुँचा। मैंने कहा हाँ सर, बोले कि क्या कर रहे थे इधर, नशा पता कर रहे हो क्या? मैं कह नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, हम तो इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बना रहे हैं, लोगों को एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, और हमारा कुछ मकसद नहीं है। तो उन्होंने मेरी बाइक को चेक किया, बैग है उसको चेक किया कि क्या पता क्या कुछ ड्रग्स मिल गए। मेरे पास मोबाइल था, एक आईफोन था और एक था मेरा एंड्रॉयड फ़ोन और पावर बैंक था। तो बोले इतने सारे फ़ोन कहाँ से लाए? इतना सारे कहाँ से लाइक वो आई पावर बैंक है और एक ये है। तो फिर पुलिस ने कहा कि हाँ ये तो नहीं है, ड्रग्स तो नहीं है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, हम सिर्फ वीडियो बनाने के मकसद से यहाँ पर आए थे। और फिर पुलिस ने क्या किया वो आपको पता है, वो करते क्या है कि सोशल डिस्टेंस कहाँ थी गाइस, ऐसे बताऊँ तो पुलिस की जीप थी, एक जीप थी, उस जीप में चार या तीन जन पीछे थे, वो दो जन आगे थे। तो वहाँ कहाँ गई सोशल डिस्टेंस? हाँ फिलहाल छोड़ो, कोई नहीं मरता, गरीबी है लॉकडाउन में, और कोई नहीं मरता। और इसमें देखो लिखा है वक्त चेकिंग MC मतलब मोटरसाइकिल, चालक के पास DL ड्राइविंग लाइसेंस एंड MC मोटरसाइकिल संबंधित कोई कागजात नहीं होने पर MC मोटरसाइकिल को धारा 207 में की डिजेयर की गई, ऐसा कुछ लिखा है। मैं इसका फोटो लगाऊंगा साइड में, और फिर मेरा नाम पता सब कुछ लिखा, और तारीख है 20/5/2021 की, कल की तारीख है। और ये देखो मेरी सारी उम्र में सब कुछ लिखा है इस पर, मैं साइड में पोस्टर लगा दूंगा। और फिर क्या हुआ कि फिर मैं वहाँ से आया, मेरी बाइक चाबी थी, वो मेरे साथ बंदे तो उनके पास चाबी थी। तो गाइस इसके बाद क्या हुआ, मेरी बाइक को जब्त कर ली गई थी, बोले ये मोबाइल फ़ोन इसके, ये सब जो मोबाइल फ़ोन से सर ऐसा कुछ है नहीं, तो ये क्यों आप क्यों जब्त करते? तो फिर उन्होंने कहा बाइक पर, बाइक के ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है और ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछे मेरे को, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि हम घर से ज़्यादा नहीं 1-2 किलोमीटर दूर थे। तो फिर मैंने कहा सर चालान, वो बोले चालान है, मैंने बोला हाँ सर चालान है तो आप काट लीजिए। फिर कैश तो थे नहीं मेरे पास, तो वो बोले चालान चालान फाड़ा, ये चालान का कॉपी डाला और बोले चालान दो पैसे दो, लेकिन सर फोन पे करता हूँ, कैश तो थे नहीं। मैं बोलो सर फोन पे करता हूँ, गूगल पे करता हूँ, पेटीएम करता, आप जो बोलो वो कर दो। कि नहीं हमारे पास तो ऐसी कोई सुविधा है नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं, चालान ऑनलाइन भी होता है ना, मीन्स फोन पे डिजिटल इंडिया बनना किसने सिखाया? गवर्नमेंट ने तो हमें सिखाया है। फिर मैंने उनको कहा कि सर ऑनलाइन पे कर दो, फोन पे करता हूँ, गूगल पे। कह नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं वो नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं चलेगा, फ़ोन पे चलता है ना, हर जगह यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट तो हमें सिखाती है, और फिर भी हम वो नहीं करते। तो फिर उन्होंने मेरी गाड़ी को जब्त कर ली, गाड़ी जब की नहीं थी, मेरे पास चाबी नहीं थी गाड़ी की, तो फिर उन्होंने मेरी गाड़ी को डायरेक्ट टोन कर ली, पता नहीं कहाँ से पिन निकाली और मेरी गाड़ी को डायरेक्ट टोन कर ली, डायरेक्ट टोन करके वो ले गए पीछे वाले कार में, मीन्स पुलिस वाले जीप में थे, और मेरी बाइक पे एक पुलिस जना सवार होके मेरी बाइक को पुलिस थाने लेके आया। थाने में लेके आने के बाद ये मैं साइड में क्लिप चलाऊंगा, उसमें मेरा आएगा, मीन्स थाने में जा रहा हूँ जो,
और फिर वहाँ से मैं गाड़ी की आरसी ले गया, ड्राइविंग लाइसेंस ले गया, और फिर मैं गाड़ी की आरसी ले गया, थोड़ा लेट हो गया, तो वहाँ से हम आए किया थोड़ा सा लेट हो गया, तो फिर आरसी वहाँ पे थाने में जमा करवाई और बाइक को लेकर आ गया मैं घर पे। फिर अभी आरसी उधर ही जमा है और उन्होंने मुझे ये पेपर दिया था, इसमें यहाँ पे सब कुछ लिखा होगा। और फिर आरसी लेके मैंने पूछा सर मैं वापस कब आऊँ, कि कल सुबह 10 बजे आ जाना, और आज के 10 बजे मैं अभी तक गया ही नहीं, और फिर अभी जाऊँगा बाद में जाऊँगा। मेरे कुछ उधर पुलिस वाले फ्रेंड है उनको बोला मैं, वो बोले मैं कुछ अरेंजमेंट करवा देता हूँ ऐसे, मतलब तो मुझे आरसी ला के दे देंगे ऐसे हुआ। मीन्स एक चीज़ सीख लिया लॉकडाउन में, लॉकडाउन में कुछ ही को कुछ नहीं हुआ, ना ही अमीर को होगा ना ही गरीब को, मिडिल क्लास वाले फैमिली हो मिडिल क्लास वाले कोई भी लोग हो उनको इतना फ़र्क पड़ने वाला है ना, पूछो। तो मेरा एक वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, चलिए मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छे, बाय बाय, टेक केयर।